आज 16 फरवरी का पावन दिन बसंत ऋतु के पंचमी तिथि पर आपका नामकरण संस्कार करते हैं और आपका नाम रखते हैं वसुंधरा। ये पृथ्वी का नाम वसुंधरा है और इस बछिया का नाम आज वसुंधरा माँ। ओ वसुंधरा माँ, आपका मुँह मीठा कराते हैं और आज वसुंधरा का नामकरण संस्कार किया है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र से गौ माता ध्यान में जा रही है। ये 7 घंटे का बच्चा है और इसने इसकी माँ से जन्म लिया और ये बछिया है और ये 7 मिनट में दौड़ना सीख गई, पहचानना सीख गई और ये अब हमारी गोद में आ गए और अब हमारे आश्रम की तरफ से हमने इनका आज नामकरण संस्कार कर दिया है। अब इसका नाम हमने वसुंधरा रख दिया है। ये बछिया है, बछड़ा होता है गाय का और बछिया होती है और 9 माह 9 दिन में इनका जन्म होता है। जन्म लेते इनको यहाँ पर ऐसे ऐसे मस्तिष्क को हम मालिश करते हैं ताकि दिमाग की ताकत अच्छी बढ़ जाए और इनके शरीर में ये भंवर है, ये भंवर पर ब्रह्मांडी ऊर्जा आती है। अभी इनके दोनों तरफ छोटे छोटे सींग है, ये सींग बड़े बड़े हो जाएंगे और इनका ये जो काला मुंह जो यहाँ पे थुम्मा लगा हुआ है इस पे दाने आते हैं तो इनको जब भी कोई तकलीफ होती है तो हमें दानों से पता लगा लेते हैं। अभी आप देखेंगे हम गायत्री मंत्र बोलेंगे, इस बच्चा के ऊपर अपने आप ध्यान लगेगा इनका। अब धीरे धीरे हम गायत्री मंत्र को बोल रहे हैं और इनको वात्सल्य कर रहे हैं, ये ध्यान में चली जाएगी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इनके शरीर में अब धीरे धीरे अब हम कंपन देखेंगे, जैसे जैसे हम इनके इस चक्र को मसाज करेंगे इनको बहुत शांति मिलती है और गहरी नींद में चली जाती है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर, ये इनका पहला चक्र और ये दूसरा चक्र। इनके पूरे रीढ़ पे जन्म से ही 12 चक्र लेकर के आते हैं। एक थुम्मा है और यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहती है। इस जगह पर ये चक्र जो दिखाई दे रहा है, इस चक्र में इतनी ऊर्जा रहती है कि पूरी बॉडी को जैसे इनको छूते हैं तो इनको बहुत ऊर्जा मिलती है और इनके जो चरण रहते हैं जन्म लेने के बाद में, ये खुरों को हम लोग तोड़ देते हैं, ऐसे काट देते हैं, ऐसे पूरा निकाल देते हैं। इसको इसलिए निकाल देते हैं कि इसको कच्चे खुर रहते हैं जो फिर चलने में इसको आराम देते हैं और इनका जीवन तो बहुत ही अद्भुत होता है। ये आप पहचानने लगी, इसकी माँ को भी पहचानती है, ग्वालों को भी पहचानती है। मैं अच्छा राठौर, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं गौ माता को लड्डू खिलाने आई थी, मेरा जन्मदिन था। गाय का दूध में सरस्वती को वास है, गाय का दूध में सरस्वती को वास है, दूध पीण से बुद्धि को विकास है, दूध पीण से बुद्धि को विकास है। ओ इन्हें भैंसी का दूध से अनाड़ी मत बनो मारा, गांव का भाई होने गाय पालो।